चलिए अब आपको सीधे श्योपुर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। माननीय केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी के प्रति बहनों का आदर और स्नेह शामिल है। एक बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय मंच का स्वागत। मुख्यमंत्री लाडली बहनिया योजना में जिला श्योपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहनों द्वारा स्वागत। जोरदार तालियां बजाएं, बहनें बजाएं, भैया बजाएं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। भैया दे दो कलाई, बहन आई है। कितना पावन है रिश्ता महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई, बहन आई है। भैया खा लो मिठाई, बहन आई है। मेरी राखी किड़ो कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। भैया दे दो कलाई, बहन आई है। सीओ जिला पंचायत तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन अतिथि का स्वागत करें और स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं श्योपुर के प्रभारी मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर श्योपुर जिले को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हमारे मध्य प्रदेश के जनप्रिय, लोकप्रिय, हमारे अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का इस अवसर पर मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मैं जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे अपने और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का भी मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और हमारे अपने इस अंचल के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और आज हम सबके बीच मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का भी मैं इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और मैं इस अवसर पर हमारे लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी सम्मानी अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का, माताएं बहनों का और प्रेस मीडिया के सभी मित्रों का, इस धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और इस अवसर पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वास्तव में हम सब लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश को लगातार हम सबकी चिंता करते हुए और प्रदेश को
एक विकसित मध्य प्रदेश बनाकर स्वर्णम मध्य प्रदेश की ओर ले जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सोपुर जिले के और इस अंचल के लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आज सोपुर की हम बात करना चाहेंगे तो सोपुर को मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने क्या नहीं दिया। सोपुर की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए सोपुर को वो पहचान दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, माननीय उड्डयन मंत्री जी ने ये पहचान दिलाने का काम किया है। वास्तव में हम जो गौरवान्वित है कि सोपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जानने लगे और विकास के मामले में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता की है किसानों के लिए मंजूरी परियोजना की जो स्वीकृति प्रदान की है और आज एक परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है, दूसरी परियोजना का लोकार्पण हो रहा है और सोपुर जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की भी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुझे इस कहते हुए ये प्रसन्नता होती है कि मध्य प्रदेश को जिस तरह से विकास की गति देने वाले हर व्यक्ति की